अकाल तख्त साहिब जी के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश दिहाड़े की सारी सिख कौम नूं वधाई दित्ती। इस पावन दिहाड़े मौके उन्होंने सिख कौम के नाम संदेश भी जारी किया। जथेदार साहिब ने इस मौके सिख कौम नूं ग्रंथी सिंघां दे स्थापना दिवस दीआं भी वधाईआं दित्तीआं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी का पहला प्रकाश पुरब है। इस महान प्रकाश पुरब दीआं समूह देश विदेश दे विच बैठीआं नानक नाम लेवा सिख संगतां समुचे गुरु खालसा पंथ नूं बहुत 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 वधाईआं। ये पावन दिहाड़ा है जदों शहीदां दे सरताज बाणी के बोहत धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी पातशाह जी ने रामसर साहिब दे स्थान दे उत्ते भाई गुरदास जी पासों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन सरूप नूं लिखवाया। ते फिर अज दे दिन पादरों सुदी एकम संमत 1661 नूं पहली बार सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे प्रकाश किया, हुक्मनामा लिया। बाबा बुढ़ा साहिब जी ने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे हजूर ताबिया ग्रंथी नियत किया, जिथे अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा है। मैं समझदा कि उत्थे ग्रंथी सिंघां का भी स्थापना दिवस है और इहदियां भी समूह संगतां नूं बहुत बहुत वधाईआं। ग्रंथी की पदवी सिख धर्म दे विच बड़ी सुची सुची पवित्र मनी जाती है। ग्रंथी धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की ताबिया सिख संगतां नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की बाणी का बोध करवाउंदा है। ग्रंथी का अदब सत्कार इस सिख संगतां लई सर्वप्रथम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो बाद होना चाहिए। मैं एक बारी फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पहले प्रकाश दिहाड़े दीआं समूह सिख संगतां नूं बहुत बहुत बधाईआं देना। ब्यूरो रिपोर्ट, द खालस टीवी।